मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास सिक्स के लिए है और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ग्लोब्स एंड मिथ्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में, ठीक है, कि ग्लोब क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में हमने जाना था, यूजफुल ऑफ ग्लोब जाना था और इसके अलावा हमने लिमिटेशन ऑफ ग्लोब भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है मैप। ठीक है, मैप, मैप क्या है जानते हो, नक्शा। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप क्या है, एक ऐसी ड्राइंग है जो कि अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, और या फिर और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल, या फिर अर्थ का कोई भी पार्ट जो होता है उसे स्केल के आधार पर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है मैप द स्केल की मदद से। ठीक है, द स्केल इज द प्रोपोर्शन बिटवीन द एक्चुअल और ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स ऑन द मैप। जो भी ये जो डिस्टेंस जो ली जाती है, स्केल जो लिया जाता है, वो किसी जगह के बीच के जो दो पॉइंट, जो दो जगह की जो डिस्टेंस जो होती है उससे मैप के ऊपर दो पॉइंट के डिस्टेंस से इक्वल किया जाता है। थस इफ टू पॉइंट्स एज ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, जैसे कि ग्राउंड पर किसी दो जगह की डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है ना, जैसे कि कोई जगह है यहाँ से लेकर कोई यहाँ तक कोई जगह है, ठीक है, अपने यहाँ पर जैसे कि श्रीनगर से लेकर अपना जो बाजार से लेकर जो अपने स्कूल तक का जो जगह जो है जैसे कि वो 1 किलोमीटर मान लेते हैं कि वो 1 किलोमीटर है। ठीक है, उस जगह को अगर अपने को मैप पे करना है तो हम कैसे शो करेंगे इसको, 1 सेंटीमीटर से हम इसको शो करेंगे। ठीक है, मैप पर वो 1 किलोमीटर कैसे दर्शाएंगे, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इस तरह से अपन मैप बनाएंगे, स्केल बनाते हैं। ठीक है, देन द स्केल ऑफ द मैप विल बी 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इक्वल हो जाता है ये, तो इस तरह से स्केल लिया जाता है ना, बड़ी जगह को छोटे उसमें दिखाया जाता है सेंटीमीटर में, तब जाके जो है किसी जगह का मैप जो है वो इस उस पर कागज पर आता है, क्योंकि इतना बड़ा कागज नहीं है हमारे पास कि हम पूरी जो पृथ्वी को हम उस पर बना सके, और अगर इतना बड़ा कागज मिल भी जाए तो हम उसको कैरी नहीं कर सकते हैं, है ना, तो इसलिए जो है स्केल का यूज लिया जाता है। अब है यूजफुलनेस ऑफ मैप्स। अब मैप की क्या उपयोगिता है, द होल ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए शीट ऑफ पेपर। इसमें क्या किया जाता है, स्केल की मदद से अर्थ के पूरे सरफेस को, पूरे पार्ट को एक शीट के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वी कैन पुट इज मच डिटेल ऑन इट एज वी लाइक, और हम जितनी चाहे उतनी ज्यादा डिटेल हम इस पर इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मेकिंग एज लार्ज ए मैप एज पॉसिबल, और हम जितना हम उसको बड़ा बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं। वी कैन फोल्ड और रोल द लार्ज मैप और डिवाइड इट इंटू सेवरल शीट्स, और हम जो मैप जो होता है उसे हम कितना भी बड़ा तो हम बनाना संभव है, लेकिन उसको हम रोल भी कर सकते हैं, है ना, और लार्ज जो मैप जो होता है उसे हम अलग अलग शीट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, और टू बी पुट इन ए बुक, और एक बुक के अंदर भी रखा जा सकता, तो अलग अलग जो मैप जो होते हैं उसे हम अलग अलग उसमें बुक में रख देते हैं, तो वो जो बुक जो होती है वो क्या कहलाती है, एटलस कहलाती है। ठीक है, थस मैप्स कैन हैव मोर इन्फॉर्मेशन आर इजियर टू हैंडल देन ग्लोब्स, और जो मैप जो होता है वो कैरी करने में भी ईजी होता है, और ग्लोब की बजाय, है ना, ग्लोब की बजाय मैप जो है अच्छे से हैंडल किया जा सकता है, आसानी से हैंडल किया जा सकता है, आसानी से उसे पढ़ा जा सकता है और लाने ले जाने में भी आसानी रह सकती है। देन लिमिटेशन ऑफ मैप, अब कुछ इसकी जो है विशेषताएं हैं लेकिन कुछ इसकी जो लिमिटेशन भी है, वो क्या लिमिटेशन है मैप की, देखो, ऑन मैप द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए फ्लैट सरफेस। देखो, एक मैप के अंदर जो पृथ्वी का जो टेढ़ा मेढ़ा भाग जो है जैसे पठार वगैरह जो है वो फ्लैट सरफेस पे कैसे दिखा पाएंगे, और राउंड शेप कैन नॉट बी फ्लैटेंड कम्प्लीटली, और एक गोलाकार जो शेप जो होता है उसे कम्प्लीटली नहीं दिखा सकते, है ना, उसका तो आधा भाग ही देख पाएंगे फिर। सो व्हेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर शोन ऑन ए फ्लैट सरफेस, तो जब अर्थ के जो फ्लैट सरफेस जो है वो हम दिखाते हैं वर्ल्ड के, द शेप्स एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन गेट डिस्टॉर्टेड, तो जो जैसे कि महासागर है, महाद्वीप है, उनकी साइज और शेप जो है वो थोड़े अलग हो सकते हैं। द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन अपीयर्स इन द रीजन्स अराउंड द पोल्स, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जो
सबसे ज्यादा जो असमानता जो है वो हमें पोल्स के निकट मिलेगी, क्योंकि जो जैसे कि मैंने आपको बताया जो अर्थ का जो ग्लोब जो बना हुआ वो ऐसे बना हुआ होता है ना, तो जैसे ये इक्वेटर होता है और इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये दूरी थोड़ा कम होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पोल और इसकी दूरी जो हम इस तरह से देखते हैं, लेकिन जब हम इसको मैप पे अगर दिखाते हैं तो ये हम चीज हम नहीं दिखा पाते हैं, है ना। तो इस कारण जो है ग्लोब इसके लिए एक्यूरेट रहता है पॉल्स के दृष्टि से देखा जाए तो दिस इज द रीजन व्हाई मैप्स आर नॉट एज एक्यूरेट एज ग्लोब्स, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ मैप्स। टाइप्स ऑफ मैप्स में देखिएगा, मैप्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। जो मैप जो है वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी वॉन्ट टू शो थ्रू द मैप। बस ये जरूरी होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें मैप में क्या शो करना है, उसके आधार पर मैप को डिवाइड किया गया है। तो देखिएगा, फर्स्ट है फिजिकल मैप, सॉरी पॉलिटिकल मैप। फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं? तो अब पॉलिटिकल मैप शोज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स एंड लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स। देखो, पॉलिटिकल मैप्स वो होता है जिसके अंदर जो प्रशासनिक यूनिट्स जो होती हैं अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की, उनकी जो कैपिटल्स जो होती हैं, उनकी लोकेशन वगैरह जो होती हैं, सिटीज टाउन्स वगैरह जो दिखाई जाती हैं, उसे कहा जाता है पॉलिटिकल मैप्स। मैंने क्लास में कई बार आप लोगों को बनवाया भी है कि पॉलिटिकल मैप्स बनवाओ बनाओ, तो ये होता है पॉलिटिकल मैप, जिसमें हम नेबरिंग कंट्री वगैरह जो होते हैं, कैपिटल्स जो हैं, है ना, प्रशासनिक जो यूनिट जैसे कैपिटल वगैरह जो है वो सब हमें यहाँ पर दिखाई देती है, तो उसे कहता है, उसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप, ठीक है। देन सेकंड है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप शो ज्योग्राफिकल फीचर्स। फिजिकल मैप जो होता है उसमें भौगोलिक जो चीजें जो होती है वो दिखती है, जैसे कि माउंटेन रेंजेस, पीक, प्लेट्यूज, हिल्स, ओशियन, सीज एंड रिवर्स। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। देखो, जो फिजिकल मैप जो होता है उसमें किसी जगह की जो है भू आकृति को दिखाया जाता है, जैसे कि पठार, मैदान, पहाड़, ओशियन, है ना, ये सब चीजें दिखाई जाती है और उन्हें अलग अलग कलर्स के द्वारा दिखाया जाता है, जैसे कि वाटर बॉडीज जो होती हैं उसे ब्लू कलर से दिखाएंगे, है ना, तो जंगल्स वगैरह जो होते हैं उन्हें ग्रीन से दिखाएंगे। तो इस तरह से नो कलर्स के आधार पर इनको बताया जाता है फिजिकल मैप में, फिजिकल मैप में, ठीक है। तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स दिखाए जाते हैं। देन थर्ड है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स क्या होता है? दीज आर द मैप्स दैट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर फीचर्स ओनली सच एज टाइप ऑफ वेदर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज और पीपल और मिनरल। देखो, थीमेटिक मैप्स वो होता है उसके अंदर ऐसा मैप जिसके अंदर किसी जगह विशेष में पाए जाने वाले जैसे मिनरल्स वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज है ना, या वेदर है वहाँ का, वहाँ के जंगल जो है वो दिखाए जाते हैं, उसे कहते हैं थीमेटिक मैप, है ना, उसके द्वारा ये दिखाया जाता है। अब है फोर्थ है वेदर मैप्स। मौसम संबंधी मैप क्या होता है? वेदर मैप शो द मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम। वेदर मैप के द्वारा जो है मौसम संबंधी चीजें जो दिखाई जाती हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, किस जगह पर कितनी बारिश होती है, स्नोफॉल, है ना, बर्फबारी कितनी होती है, एरियाज ऑफ इक्वल टेम्परेचर, कहाँ पर समान टेम्परेचर रहता है ना, किस पर समान जो एयर प्रेशर रहता है, इवन विंड डायरेक्शन, हवा का जो दिशा जो है वो किस तरफ रहती है, तो ये जो दिखाया जाता है उसे कहते हैं वेदर मैप्स, ठीक है। अब है टूरिस्ट मैप। पर्यटक मैप क्या होता है? देखो, टूरिस्ट मैप पॉइंट्स टू प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट एक्सेट्रा। टूरिस्ट मैप से कहते हैं जिसके अंदर जो है जैसे कि म्यूजियम है, कोई मॉन्यूमेंट स्मारक है, या घूमने की कोई अच्छी जगह है, उन उन पॉइंट को दिखाया जाता है किसी जगह का जहाँ आप घूमने जा रहे हो, तो वो जो कहलाता है टूरिस्ट मैप कहलाता है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति घूमने जाता है तो कौन सा मैप देखेगा? टूरिस्ट मैप देखता है। द मैप आर गिवन सुटेबल नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इज शोन बाय देम। मैप्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट एंड कॉमन पीपल अलाइक, दे आर वेरी यूजफुल फॉर टूरिस्ट एंड ट्रेवलर्स। जो मैप जो होता है उन्हें उनके नाम के आधार पर, उसमें जो चीजें दिखाई जाती है उनके आधार पर, जो शो होता है उसके आधार पर दिया जाता है। मैप्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट। जो मैप जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है और जो आम आदमी होता है उसके लिए भी यूजफुल है, जैसे कि कोई टूरिस्ट है, ट्रेवलर है, उसके लिए भी यूजफुल है। दे आर ऑल्सो यूज बाय द डिफेंस पीपल, प्लानिंग ऑफ रोड, हाउसिंग, कॉलोनीज, फैक्ट्रीज, डैम्स एंड मेनी अदर थिंग्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन द मैप्स। इसके अलावा जो डिफेंस के लोग जो हैं, जैसे कि
आर्मी वगैरह हैं उनके लिए, नेवी वगैरह हैं तो उनके लिए भी, एसएफ, इन सब के लिए भी ये जो है मैप बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसके अलावा जो सड़क बनाने के लिए, हाउसिंग कॉलोनीज वगैरह बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए भी किसी भी जगह का मैप होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही रहेगा। अब मैं आप लोगों को होमवर्क बता रही हूँ।